कई राज्यों की सियासी भंवर में फंसी कांग्रेस को आखिरकार तेलंगाना में किनारा मिल गया है। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को आम चुनाव में परास्त करने के लिए बीजेपी ने विपक्षी एकता का नारा दिया था, लेकिन वो बात अब तक किसी राज्य में सिरे तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उसकी ये कॉल तेलंगाना में परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं। तेलंगाना विधानसभा भंग कर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की विपक्ष को चौंकाने की कोशिश सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भले ही राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन तैयार करने की कवायद परवान न चढ़ पा रही हो, लेकिन तेलंगाना में 7 दिन के भीतर ही कांग्रेस ने तेलुगु देशम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तेलंगाना जन समिति को जोड़कर महागठबंधन तैयार कर दिखाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक शुरुआती सहमति के बाद अब सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। तेलंगाना में तय वक्त से 8 महीने पहले विधानसभा भंग कर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी दलों को चुनावी तैयारी का मौका नहीं दिया, लेकिन इसके चलते एक होने की मजबूरी ने विपक्षी दलों के बीच 2-3 बैठकों में ही सहमति बनवा दी है। यानी कहा जाए तो राव का ये दांव खुद उन्हीं के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। अगर बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो टीआरएस ने राज्य की 119 में से 63 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 21, टीडीपी को 15, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5, वाईएसआर कांग्रेस को 3, बीएसपी को 2 और सीपीआई माकपा और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। टीआरएस ने कांग्रेस के 8 और टीडीपी के 13 विधायकों को तोड़कर बहुमत जुटाया था। इसके लिए वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी और सीपीआई के सभी विधायकों के साथ एक निर्दलीय विधायक को दल बदल के जरिए जोड़कर 119 सदस्यों की विधानसभा में टीआरएस के विधायकों की संख्या 90 तक पहुंचा दी थी। इससे पहले ये सभी टीआरएस से नाराज चल रहे थे। तेलंगाना में अब तक टीआरएस के लिए कांग्रेस ही बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन हड़बड़ी में विधानसभा भंग कर उसने पूरे विपक्ष को एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह गेंद वापस कांग्रेस के पाले में आ गई है और कांग्रेस के लिए महागठबंधन तैयार करने का एक सुनहरा मौका मिल गया है और इस तरह उसने महागठबंधन का दांव चलने में देरी नहीं लगाई। तेलंगाना में महागठबंधन तैयार करने में मिली सफलता से कांग्रेस नेतृत्व खुश है, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि इसके सकारात्मक परिणाम उन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मिलेंगे। उन्हें उम्मीद है कि अब इन राज्यों के लिए बीएसपी के साथ सीटों का बंटवारा जल्द ही तय कर लिया जाएगा। हालांकि बीएसपी के तल्ख तेवरों को देखकर ऐसा हो पाना फिलहाल मुश्किल ही लगता है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।